इस वीडियो में बात करेंगे रेसलमेनिया 34 के स्टेज जो अब रिवील हो चुका है, द रॉक ने क्या कहा अपनी इंटरव्यू में रेसलमेनिया के बारे में, और बात करेंगे हॉल ऑफ फेम की कि क्या हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिला। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में। आप इस फोटो में देख सकते हैं रेसलमेनिया 34 का स्टेज। WWE से ये ऑफिशियल वीडियो आ चुकी है, इससे फोटोज दिखा देता हूँ। WWE फैंस से इस स्टेज को बहुत ही तारीफ मिल रही है, मतलब फैंस अप्रिशिएट कर रहे हैं इस स्टेज को, और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि ये स्टेज काबिले तारीफ है, मतलब हर एक ने इस स्टेज की तारीफ की है। तो अब बात करते हैं रॉक के बारे में। द रॉक अपनी मूवी रैम्पेज की इंटरव्यू में थे और तब उनसे पूछा गया रेसलमेनिया के बारे में कि इस संडे रेसलमेनिया है तो आपका क्या प्लान है। तो रॉक ने कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं है और मुझे एक काम भी है, इसलिए तो मैं रेसलमेनिया में नहीं आ सकता। इससे तो यही माना जा रहा है कि द रॉक रेसलमेनिया में नहीं आएंगे, लेकिन WWE हमें लास्ट मोमेंट पे शॉक दे सकती है। क्या पता द रॉक ने ये जानबूझकर कहा हो कि मैं नहीं आ रेसलमेनिया में, ताँ जो जब रेसलमेनिया में आएंगे तो सब फैंस शॉक हो जाएंगे। ऐसा WWE ने भी कई बार किया है। 99.9% कन्फर्म ही है कि द रॉक की ओपिनियन से हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगी। अब हमें रेसलमेनिया में पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो अब बात करते हैं हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के बारे में। ये सेरेमनी बहुत अच्छी गई, लेकिन इस हॉल ऑफ फेम में हमें 3 इंजर्ड सुपरस्टार की अपीयरेंस भी देखने को मिली। जो अभी WWE से बाहर चल रहे थे वो भी हमें हॉल ऑफ फेम में दिखाई दिए। पहले पर है समोआ जो। जी हाँ, समोआ जो हमें हॉल ऑफ फेम में दिखाई दिए। समोआ जो की इंजरियाँ बिल्कुल ठीक है और समोआ जो हमें रेसलमेनिया के बाद वाली रोज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा नाम है जेसन जॉर्डन। जी हाँ, जेसन जॉर्डन की अपीयरेंस भी हमें हॉल ऑफ फेम में देखने को मिली। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जब मिज का इंटरव्यू हो रहा था जॉर्डन पीछे दिखाई देते हैं। और तीसरा नाम है जेफ हार्डी का। जी हाँ, जेफ हार्डी भी हमें हॉल ऑफ फेम में देखने को मिले जब एजेंट क्रिश्चियन ने इंडक्ट किया ददली बॉयज़ को, और तब एज क्रिश्चियन एंड एज और ददली बॉयज़ को मिलने के लिए स्टेज पर आते हैं और ददली बॉयज़ मेमोरेबल स्पीच देते हैं। और जेफ हार्डी का इन रिंग रिटर्न भी हमें रेसलमेनिया के बाद वाली रोज में देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको रेसलमेनिया का स्टेज कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।